आर्थिक तंगी के कारण इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा और दिल्ली जैसे शहरों में नहीं जा पाने वाली बीसी और एबीसी छात्राएं अब पटना में ही तैयारी कर पाएंगी। इसकी तैयारी भी कोटा दिल्ली की तरह ही कराई जाएगी। तो बता दें कि बीसी और एबीसी छात्राओं के लिए ये खुशखबरी है और अब वो कोटा और दिल्ली की तर्ज पर ही अपने बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर पाएंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पदाधिकारी का कहना है कि इसके लिए विभाग की मंत्री अनिता देवी ने स्वीकृति भी दे दी है। इससे योजना के तहत अप्रैल से पढ़ाई शुरू करवाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए छात्राओं का सिलेक्शन सुपर 30 की तर्ज पर टेस्ट लेकर किया जाएगा। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि मेडिकल इंजीनियरिंग में गरीब छात्राओं को प्रवेश के लिए तैयारी कराई जाएगी। तैयारी के लिए छात्राओं का टेस्ट होगा, सफल होने के बाद ही कोचिंग में दाखिला मिल पाएगा। अब आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किन विषयों का टेस्ट लिया जाएगा। जो छात्राएं 9वीं पास कर 10वीं में गई हैं और जो 11वीं पास कर 12वीं में गई हैं, उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी विषयों का टेस्ट देना होगा। टेस्ट में पुराने प्रश्न पत्रों का ही प्रयोग किए जाने की योजना है। सफल छात्राओं को विशेषज्ञों द्वारा मेडिकल, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की तैयारी कराई जाएगी। समय समय पर विभाग के अधिकारी भी क्लास लेंगे। 30-30 लड़कियों का 2 बैच बनाया जाएगा। सिलेक्शन के बाद छात्राएं पाठ्य सामग्री घर नहीं ले जा सकेंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोबारा इसका इस्तेमाल दूसरी छात्राओं के लिए किया जा सके। बता दें कि विभाग की ओर से कन्या आवासीय स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं और 12वीं की छात्राओं का टेस्ट लिया जाएगा। 10वीं के आधार पर पॉलिटेक्निक और 12वीं के आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाएगी। इसके पहले चरण की शुरुआत पटना से होगी। हालांकि तैयारी किस संस्थान में करवाई जाएगी यह अभी तय नहीं किया गया है। तैयारी के बाद यदि छात्राएं मेडिकल, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सफल होती हैं, तो दूसरे चरण में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कटिहार सहित अन्य जिलों में भी इसकी तैयारी कराई जाएगी। मेडिकल, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की तैयारी करवाने के लिए कोचिंग शिक्षक या विशेषज्ञ का चयन कमेटी करेगी। शिक्षकों के पुराने परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा। तैयारी के दौरान मुख्यालय से कोचिंग की मॉनिटरिंग होगी। छात्राओं को शिक्षक द्वारा तैयारी कराने के साथ ही संबंधित विषय का मटेरियल उपलब्ध भी करवाया जाएगा। इसके अलावा समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा छात्राओं को ऑनलाइन जानकारी भी साझा की जाएगी।